Hello students, today we are going to read chapter 1st, part 2nd for class 7th and the name of the chapter is Three Questions by Leo Tolstoy. Come on, let's read and understand this chapter and enjoy as well. राजा ने जब आसपास देखा तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। वह बुरी तरह से घायल था। वह राजा के पास आकर बेहोश हुआ और नीचे गिर गया। सन्यासी और राजा ने उसके कपड़े निकाले और उसका उपचार किया। घायल व्यक्ति ठीक महसूस करने लगा और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। राजा ने उसे पानी दिया। फिर सभी लोग सो गए। जब सब सुबह उठे तो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा के पैर छुए और माफ़ी मांगने लगा, पर राजा ने उसे पहचाना नहीं। फिर उस घायल व्यक्ति ने कहा, राजा ने उसके भाई को मृत्यु की सजा सुनाई थी और उसकी जमीन भी छीन ली थी, इसीलिए मैं बदला लेने आया था, पर आपके सैनिकों ने मुझे देखा और जख्मी किया। मैं बचकर वहां से यहां आया था और यदि आप मेरा इलाज नहीं करते तो मैं मर जाता, इसीलिए अब मैं आपकी सेवा करूंगा। राजा खुश हुए और उन्होंने अपने डॉक्टर को घायल व्यक्ति के साथ भेजा तथा उसकी जमीन वापस करने के लिए भी कहा। दोबारा राजा ने सन्यासी से कहा, कृपया मेरे सवालों का जवाब दें। तब सन्यासी ने कहा, तुम्हें तुम्हारे तीनों सवालों का जवाब मिल चुका है। फिर राजा बहुत हैरान हुआ। इस पर राजा हैरान हुए होते हुए राजा ने कहा, मुझे मेरे सवालों का जवाब कैसे मिला? फिर सन्यासी ने उसे कहा, ठीक समय वह था जब तुमने मेरी मदद करने के लिए मेरी कुटिया में निवास किया। यदि तुम ऐसा ना करते तो तुम वापस जाते और वो जो व्यक्ति बैठा था छुपकर तुम्हें मारने के लिए, वह तुम्हारी हत्या कर चुका होता। और सबसे मुख्य व्यक्ति तुम्हारे लिए उस समय मैं था, क्योंकि तुमने मेरी मदद की। तो सबसे अच्छा समय वह था जब तुमने मेरी मदद की, मुझे गरीब समझकर और मेरे खेतों की खुदाई की, जिसके वजह से तुम मरने से बच गए। दोबारा जब घायल व्यक्ति तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी देखभाल की, वह तुम्हारे लिए उत्तम समय था, क्योंकि ठीक होने के बाद ही उसने तुमसे शांति समझौता किया, इसलिए वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और उसकी देखभाल करना तुम्हारे लिए सबसे मुख्य कार्य। हे राजन, याद रखो, सबसे उत्तम समय वर्तमान समय होता है, क्योंकि कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा और हम मिलेंगे या नहीं। सबसे उत्तम कार्य जिस व्यक्ति के साथ तुम हो उसकी मदद करना होता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इसी उद्देश्य से इस संसार में भेजा है। और थैंक यू स्टूडेंट्स।